मम्मी पापा से जो हमें मिलते हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर और ये क्या बनाया हमने अभी ये बनाया है बच्चों हमने न्यूक्लियोलस व्हाट वी हैव ड्रॉन जस्ट न्यूक्लियोलस तो ये बच्चों पार्ट्स ऑफ इसके न्यूक्लियस के जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड और ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है

तो अभी तक हमने बच्चों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स पढ़े थे मेरे बच्चों वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड वन इज योर क्लोरोप्लास्ट जहां पर हमने आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को पढ़ा भी था डिटेल में अब हम यहाँ पर भी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और हमें पता है बच्चों की न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं द ब्रेन ऑफ द सेल वाई

द ब्रेन इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं द ब्रेन ऑफ द सेल तो लिख लेते हैं बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे लिख लेते हैं इसको कि हम इसको क्या बोलते हैं द ब्रेन ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल और यह भी हमारा कैसा है ये भी हमारा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल अगेन सी the आउटर membrane एंड the इनर membrane. जब हम डायग्राम बनाएंगे ना बच्चों तो यू कैन सी दैट इसके अलावा बच्चों अगर हम इसकी नंबर की बात करें ना हम नंबर के लिए क्या बोलते हैं नंबर करती है वेरी तो जहां पर भी वेरी करता है इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इनका नंबर वेरी कर सकता है जैसे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते का मतलब क्या होता है so, और अगर वन हुआ तो हम इसको बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएट जैसे जनरली आप पढ़ते हो यूनि न्यूक्लियस वाली कंडीशन यूनि न्यूक्लिएट वाली कंडीशन आपने दो न्यूक्लियस वाली भी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी बच्चों जब दो न्यूक्लियस होता है तो हम क्या बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट क्या बोलते हैं बाई न्यूक्लिएट जैसे याद करो एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज पैरामीशियम पैरामीशियम में वी हैव टू न्यूक्लियस एक जिसकी साइज बड़ी होती है और एक जिसकी साइज छोटी होती है नंबर दो है इसलिए बाई न्यूक्लिएटेड कभी कभार यू कैन सी दी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन मैनी लिख देती हूं मैनी मैनी का मतलब मल्टीपल बहुत सारे तो हम उसको क्या बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन जैसे आप फंजाई वगैरह में पढ़ोगे मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन और बच्चों कभी कभार आपने ऐसे सेल्स के भी नाम सुने होंगे जिनके पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है तो वॉट वी कैन राइट न्यूक्लियस इज एबसेंट जीरो तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं बच्चों ए न्यूक्लिएटेड ए न्यूक्लिएटेड ए वर्ड अगर आ गया आगे दैट मीन्स ए स्टैंड फॉर एबसेंट और ये कहाँ पर होता है आपने पढ़े होंगे आरबीसी के बारे में द मेमेलियन आरबीसी मेमेलियन मेच्योर ये जैसे ही मेचोरिटी पर आती हैं बच्चों अपना जो न्यूक्लियस होता है वो डीजनरेट कर देती हैं इसके अलावा बच्चों एक सीव ट्यूब होता है फ्लोयम में उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है जैसे ही ये मेचोरिटी पर पहुंचते हैं ये क्या हो जाते हैं न्यूक्लियस डीजनरेट और और सीब बच्चों आपको पता होगा फ्लोयम का पार्ट है फ्लोयम वो हिस्सा होता है प्लांट में जो खाना को पहुंचाता है ट्रांसपोर्ट कराता है तो इन दोन दोनों केसेस में बच्चों न्यूक्लियस खत्म हो जाते हैं खत्म मतलब नहीं होते इसलिए वर्ड क्या लगा हुआ है ए दैट मीनस ए न्यूक्लिएटेड और यू कैन राइट यू कैन राइट The nucleus is absent. The nucleus is absent. ठीक है बच्चों तो ये हमने बात की है न्यूक्लियस के नॉर्मल से नंबर की अब हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है तो लेट्स ड्रॉ दी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो ऑब्वियसली स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं चलो बना लिया स्ट्रक्चर जो हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है एक सेकेंड यस yes. ये है हमारा जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस अभी तो मैंने एक ही लेयर की है चलो एक और लेयर ड्रॉ करते हैं लेट्स ड्रॉ वन मोर लेयर अब ये हो गया बच्चों हमारा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बट बच्चों ये ऐसा नहीं होता दिस इज नॉट कंटिन्यूअस दिस इज नॉट कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन कंटिन्यूस नहीं होते जैसे यहां पर मैं इनको तोड़ रही हूं दैट मीन्स इनके मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है पोर प्रेजेंट होता है तो थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए ऐसे नहीं तो आराम से भी कर सकते थे हम ठीक है सो ये हो गया हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अ सेकेंड ये हो गया हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं है और ये जो पोर प्रेजेंट है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पोर है इसीलिए इन पोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों इन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर क्या बोलते हैं न्यूक्लियर पोर ओके चलो आप लेबल कर देते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेबलिंग करना इसको दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन उसके बाद दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन चलो लिखते हैं ये हमारा क्या है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन ठीक है किसकी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की तो हम इनको और क्या बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियर एनवेलप बट आप सोचो आपको सीधा सीधा ऑप्शन मिलेगी न्यूक्लियर एनवेलप लिखा होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है एनवेलप का मतलब कवरिंग है ना तो इसलिए है एक और नाम से ये जाना जाता है एक और नाम से ये जाना जाता है दैट इज कैरियो थीका कैरियो वर्ड किसके लिए आता है बच्चों न्यूक्लियस के लिए और थीका की मतलब कवरिंग ठीक है तो इसको कैरियोथीका भी बोलते हैं और ये कैरियोथिका कहानी मिलेगी बच्चों दिस वुड बी एबसेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया वाई क्योंकि बैक्टीरिया में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता वट एवर जेनेटिक मटेरियल इज देयर दैट इज कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म ठीक है अब हम बात करते हैं बच्चों इस पोर के बारे में ये पोर कैसी है दिस पोर इज न्यूक्लियर पोर दिस पोर इज न्यूक्लियर पोर इन दोनों के बीच में बच्चों स्पेस दिखाई दे रही है ना इन दोनों के बीच में क्या स्पेस दिखाई दे रही है इसको भी लिख लेते हैं दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस पेरी जैसे हमने माइटो स्पेस के बारे में लिखा था ना दो मेंब्रेन के बीच की स्पेस को पेरी माइटो लिखा था यहां पर न्यूक्लियर मेंब्रेन के बीच की स्पेस है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस जिसकी विड्थ कितनी होती है बच्चों दस से पचास नैनोमीटर दस से पचास नैनोमीटर की इनकी विथ होती है पेरी न्यूक्लियर स्पेस की ठीक है तो ये हमने अभी बाहर बाहर की बातें की हैं अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डीएनए का जो एक फॉर्म होता है और इसको क्या बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन वॉट इट इज़ नोन एज इट इज नोन एज टिन इसके अलावा बच्चों इनका ये जो मैट्रिक्स है हमने पढ़ा हुआ था कि इनके मैट्रिक्स में और जो हमारा सेल का मैट्रिक्स होता है सेल के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो मटेरियल है जो नेचर है नेचर तो उनका सेम है वो भी सेमी फ्लूड होता है ये भी सेमी फ्लूड होता है वो भी सब्सटेंस है ये भी सब्सटेंस है क्योंकि ये न्यूक्लियस का पार्ट है तो यहां पर हम साइटोप्लाज्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हम यहां पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म क्या बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियोप्लाज्म और इसी न्यूक्लियो के अंदर यू आर गेटिंग टू सी दिस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्रोमैटिन इसके अलावा बच्चों तुम्हें एक और चीज दिखाई देती है स्पेरिकल स्ट्रक्चर जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है और जो कंटिन्यूस है हमारे रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियो से क्योंकि बाउंड्री तो है नहीं ना कि उसको न्यूक्लियो से सेपरेट करे तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या ये जो न्यूक्लियस है ये कंटिन्यूस है न्यूक्लियो से मतलब ये जो न्यूक्लियोलस की बाउंड्री है या बिल्कुल सेपरेटेड है तो सेपरेटेड तो होगी नहीं क्यों क्योंकि इसकी अपनी कोई बाउंड्री नहीं है ठीक है तो ये क्या बनाया हमने अभी ये बनाया है बच्चों हमने न्यूक्लियोलस व्हाट वी हैव ड्रॉन जस्ट न्यूक्लियोलस तो ये बच्चों पार्ट्स हैं किसके न्यूक्लियस के विच इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल। अब हम एक एक करके ना सबके बारे में लिख लेते हैं चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बारे में लिखना या बच्चों हम सीधा लिख सकते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप तो न्यूक्लियर एनवेलप बच्चों एज वी हैव डिस्कस्ड एज वी हैव डिस्कस्ड कितने लेयर्स की है इट इज मेड अप ऑफ टू आउटर एंड इनर बच्चों हमने जब एंडो सिस्टम पढ़ा था तो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की दैट इज विद अ रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर और उस रेक्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम क्या था बच्चों उस स्ट्रक्चर का नाम था आर ई आर है ना तो वो भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा ये देखो होगा क्या ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना ये कंटिन्यूस होती है इस तरीके से किस स्ट्रक्चर से इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स और अगर किसी ईआर ER पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हो तो ऐसे ईआर ER को क्या बोलते हैं आर ई आर तो हमेशा याद रखना जो आउटर मेम्ब्रेन दिखाई देगी आपको न्यूक्लियस की क्योंकि वो आर ई आर से कंटिन्यूस होती है तो आउटर मेम्ब्रेन की अपीयरेंस रफ आती है व्हाई बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम जो अंदर वाली मेमब्रेन है उस पर एस कोई राइबोसोम्स की अपियरेंस नहीं है तो वो कैसी अपियर होती है स्मूथ बिकॉज देर इज नो राइबोसोम नाउ लेट्स राइट दैट पॉइंट जो आउटर मेंब्रेन होता है बच्चों दे अपीयर रफ वाई रफ बिकॉज राइबोसोम प्रेजेंट राइबोसोम प्रेजेंट और यू कैन से दे आर कंटिन्यूअस विथ दे आर कंटिन्यूअस विथ आर ई आर जबकि जो हमारी इनर मेमब्रेन होती है वो स्मूथ होती है वाई बिकॉज देयर इज नो राइबोजोम और यू कैन से राइबोजोम एबेंट ठीक है इसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप तो हमने डिस्कस कर लिया न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में एक चीज और डिस्कस करते हैं बच्चों की यह कंटिन्यूस भी नहीं होती है तो लेट्स राइट दिस ऑल्सो this is not continuous why do we say so due to presence of due to presence of a pore that pore is called as nuclear pore ठीक है अब आप सोचोगे nuclear pore का फंक्शन क्या है क्यों इंटरप्टेड है why continuous नहीं है तो बच्चों pores क्यों प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो ये किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं हमेशा याद रखना जो इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो टू वेज होगा अंदर का कंटेंट बाहर जा सकता है क्योंकि राइबोसोम वगैरह तो अंदर ही बनेगा बच्चों है ना और बाहर का कंटेंट अंदर भी आ सकता है दोनों तरफ एरो बनाई है दोनों तरफ एरो का मतलब है बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना सो लेट्स राइट they help in they help in by directional transport of by directional transport of materials ठीक है बच्चों उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट विच कॉम्पोनेंट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियो वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियो तो न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म हमें पता है कैसा स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म की तरह ये भी कैसा होता है सेमी फ्लूइड और कैसा होता है कोलोयडल लाइक मटेरियल और कैसा होता है बच्चों दे आर कंटिन्यूअस विथ continuous with rest of nucleoplasm sorry ye to humne nucleolus ke liye sorry sorry just a second ye nucleolus ke liye hai ha to nucleoplasm mein hum kya baat karte hain transparent है, semi fluid है, colloidal है. and they are site for ये चीज important hai site for mrna synthesis m किसके लिए होता है बच्चों? मैसेंजर आरएनए और मैसेंजर आरएनए बनना बहुत जरूरी होता है जब प्रोटीन बनाना हो ठीक है तो मैसेंजर आरएनए बनेगा किसके अंदर बनेगा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन हमारा साइटोप्लाज्म में बनता है तो इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कौन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन उसको न्यूक्लियस से बाहर करवाता है न्यूक्लियर पोर नेक्स्ट जो हम मटेरियल पढ़ेंगे इनका दैट इज न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है बच्चों वो कहां पर मौजूद है इनके सेमीप्लू मटेरियल में और इनका सेमी फ्लू मटेरियल कौन होता है तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियो क्या क्या चीज रखता है अपने पास इट कंटेन्स क्रोमैटिन जो थिन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस इट कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस तो फटाफट आओ लिख लेते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है बच्चों दैट इज नॉन मेंबरेनस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं जो नॉन मेंब्रेनस है सबसे पहले तो हमने पढ़ा है कि राइबोसोम्स के पास कोई मेमब्रेन नहीं होती उसके बाद हमने कल पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम के पास कोई मेम्बरेनस नहीं होती मेम्ब्रेन नहीं होती यहाँ पे भी हमने पढ़ा बच्चों न्यूक्लियोलस के पास भी कोई मेम्बरेन नहीं होती है नॉन मेंब्रेनस है इसीलिए इसका कंटेंट किससे कंटिन्यूअस है इट इज कंटिन्यूस विद्यूक्लियो प्लाजम क्योंकि कोई दीवार तो है नहीं इनके पास अपनी खुद की ठीक है यहां पर क्या बनता है यहां पर भी एक टाइप ऑफ आरएनए बनता है बच्चों दैट इज साइट ऑफ राइबोजोमल आरएनए एन एर साइट फॉर राइबोजोमल आरएनए सिंथेसिस और यहां पर आर किसके लिए है यहां पर आर किसके लिए है राइबोसोम के लिए दैट मींस जो भी राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के अंदर मिलते हैं हमने पढ़े ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए 70s में और एटी में वो सारे राइबोसोमल आर एन पे बन रहे हैं बच्चों न्यूक्लियोलस में अच्छा सारे प्रोकैरियोट्स के बीच में बनेंगे प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं होता न्यूक्लियोलस कहां से आ जाएगा तो हम जो राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहे हैं वो यू वाले की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये सारे के सारे जो राइबोसोमल आरएनए है वो यहां पर बनेंगे दैट मींस राइबोसोम एक तरीके से यहां पर बन रहा है उनकी यूनिट्स यहां पर बन रही हैं। इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री अगर पूछा जाए प्रोटीन फैक्ट्री कौन है तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स होते हैं और लेकिन अगर पूछा जाए राइबोसोम फैक्ट्री कहां है तो राइबोजोम बच्चों पर बन रहे हैं न्यूक्लियोलस में इसीलिए हम न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं राइबोजोम की फैक्ट्री फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है एनसीआर टी में कि जो न्यूक्लियोलस होते हैं दे आर लार्जर लार्जर एंड मोर इन नंबर लार्जर एंड मोर इन नंबर इनसेल्स इंसेल्स इन्वॉल्व इन इनवॉल्व इन प्रोटीन सिंथिस ऐसा क्यों क्योंकि बच्चों प्रोटीन सिंथिस जहां पर हो रही है वहां पर राइबोजोम ज्यादा चाहिए राइबोसोम्स कौन बना रहा है न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस तो ऑब्वियसली उन सारे सेल्स में जहां पर प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा बनना है, वहां पे का नंबर भी होगा और उनकी जो साइज है वो भी बड़ी होगी सो दिस इज द लाइन ऑफ एनसीआरटी। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है बच्चों हमने डिस्कस कर लिया है न्यूक्लियोलस हमने डिस्कस कर लिया है न्यूक्लियर पोर वी अबाउट न्यूक्लियर एनव्यलियो प्लाजम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब रह गई है दैट इज अबाउट क्रोमैटिन अच्छा एक बात बताओ हम हमेशा कहते हैं यार कि हमारे पास इतने पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम हैं बट वी हैव नॉट ड्रॉन क्रोमोजोम इंस्टेट हमने क्या बनाया हुआ है एक धागा बनाया हुआ है उस धागे को हम बोल रहे हैं क्रोमैटिन एक्चुअली होता क्या है बच्चों ये क्रोमैटिन जब अपने आप को पैकेज करता है जब अपने आप को कंडेंस करता है तब क्रोमोजोम बनता है और क्रोमोजोम वर्ड क्रोमोजोम आपको दिखाई कब देता है जब एक सेल डिवाइड कर रहा है दैट मीन जो हमने न्यूक्लियस बना के रखा है वो डिवाइडिंग है या नॉन डिवाइडिंग सोचो अगर क्रोमोजोम बना होता तो हम बोलते डिवाइडिंग है, है। क्रोमैटिन बना हुआ है दैट मीन सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है न्यूक्लियस अभी डिवाइड नहीं कर रहा है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं ऐसे न्यूक्लियस को हम बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस ये तो मैंने बहुत सिंपल भाषा में बोल दिया कि दिस इज सेट टू बी अ नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस और अगर साइंस के भाषा में बोलूं तो ऐसे नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं हम ऐसे नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस को बोलते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे बच्चों सेल डिवीजन जब होती है तो दो फेज चलता है एक इंटरफेस और एक डिवीजन वाला फेज इंटरफेस क्योंकि नॉन डिवाइडिंग है तो क्रोमोजोम नहीं दिखाई देगा तो कंटेंट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन जब यही सेल डिवीजन वाले फेज में चली जाती है ठीक है तो वहां पर क्रोमोजोम बनता है क्योंकि क्रोमोजोम सिर्फ और सिर्फ कहां पर देंगे डिवीजन वाले में बनते इसी से है कंडेंसेशन के बाद बट फर्क यह है कि किस स्टेज में क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है किस स्टेज में क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है ठीक है तो चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों की वॉट इज क्रोमैटिन वॉट इज क्रोमैटिन लिखते हैं क्रोमैटिन के बारे में क्रोमैटिन में भी देखो एक वर्ड आ रहा है बच्चों क्रोमा कौन सा वर्ड आ रहा है क्रोमा और हमने बहुत बार इसका नाम जो क्रोमा है ना इसका जिक्र किया है क्रोमा का मतलब होता है कलर है ना तो इसका नाम ये क्यों दिया गया है इट इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू गेट एबिलिटी टू गेट stained ठीक है कौन से स्टेनिंग करते हैं इसमें जो स्टेन का इस्तेमाल होता है बच्चों एक होता है एसिटो कार्बिन स्टेन कह लो या डाई कह लो या जो और एक इस्तेमाल करते हैं हम हम उसको बोलते हैं जेन स्टेन तो इन स्टेनिंग इन स्टेन का इस्तेमाल होता है क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए और बड़े अच्छे से ये कलर एब्सॉर्व करके न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं इनकी इसी एबिलिटी को देखते हुए इनका नाम क्या रखा है क्रोमैटिन और ये नाम किसने दिया था बच्चों ये नाम दिया था फ्लैमिंग ने ठीक है ये नाम दिया था फ्लैमिंग ने क्रोमैटिन है क्या क्रोमैटिन है तो डीए नहीं डीएनए ना डीएनए जब धागे के फॉर्म में हो तो दैट इज क्रोमैटिन जब वही कंटेन्स होकर रॉड के फॉर्म में आ जाए तो दैट इज क्रोमोजोम सो वॉट वी कैन राइट दैट इट कंटेन डीएनए और डीएनए आर एन ए बनाता है बनाएगा ही ऑब्वियसली क्योंकि डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन तो बना नहीं सकता हमने डिस्कस कर रखा है तो वी कैन ऑल्सो से ना दैट इट कंटेन आर एन एलोंग विथ इट कंटेन्स हिस्टोन्स इट कंटेन्स हिस्टोन्स हिस्टोन्स क्या होते हैं बच्चों हिस्टोन्स आर पैकेजिंग प्रोटीन्स मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है बच्चों कि हमारा जो डीएनए होता है ना इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन डीएनए इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमन डीएनए ह्यूमन डीएनए की जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली दैट इज टू मीटर इन लेंथ बच्चों ये लेंथ बहुत बड़ी है एक दुपट्टे के साइज के अराउंड है ना तो सोचो दुपट्टा हम वैसे अपने ऊपर नहीं संभाल पाते हैं तो इतना बड़ा डीएनए हमारे एक छोटे से, से सेल के अंदर न्यूक्लियस के एक छोटी सी साइज अंदर कैसे एकोमोडेट हो रहा है सेल तुम्हें ऐसे दिखाई थोड़ी दे रहा है न्यूक्लियस तुम्हें दिखाई दे रहा है नहीं बहुत छोटा है तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने बड़े डीएनए को कैसे करते हैं एकमोडेट पैकेज करके जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना जब हम कहीं जाते हैं हम एक छोटे हमारे पास एक छोटा सा ही बैग है हम छोटा सा ही बैग ले जाना चाहते हैं बट उसमें कितना भर भर के लाया जाता है ठूसते रहते हैं उसको पैकेज करते रहते हैं कंट कि वो एडजस्ट हो जाए सिमिलरली डीएनए को भी उसी तरीके से पैकेज कराया जाता है और पैकेज कौन कराता है ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो जिनको पैकेजिंग प्रोटीन्स बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं सो so दैट वो किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियस में एडजस्ट हो जाए क्योंकि न्यूक्लियस की साइज ना मेरे बच्चों बहुत छोटी है आप ट्वेल्थ में पढ़ोगे जो न्यूक्लियस की साइज है दैट इज इज टू द पावर मीटर वेरी वेरी स्मॉल इसीलिए हिस्टोन एन डीएनए के ऊपर लगते हैं उनको कंडेंस कराते चले जाते हैं सो दैट वो इतनी छोटे से न्यूक्लियस के साइज में एडजस्ट हो जाए तो हमारे जितने भी यू के ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली हिस्टोन्स क्योंकि वहां पर प्रोकेरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो आपको हिस्टोन्स दिखाई देंगे हिस्टोन्स क्या होते हैं पैकेजिंग प्रोटीन होते हैं नेचर कैसा होता है क्योंकि हमारा डीएनए क्या होता है हमारा डीएनए एसिडिक होता है द नेचर ऑफ डी एन एज एसिडिक तो हमारा हिस्टोन कैसा होता है हमारा हिस्टोन बेसिक होता है क्यों यार कहते ना ऑपोजिट जो चीजें होती वो है वो अट्रैक्ट करती हैं है ना सिमिलरली हमें डीएनए को पैकेज कराना है न्यूक्लियस के अंदर कौन पैकेज करा रहा है हिस्टोन प्रोटीन तो ऑब्वियसली ऑपोजिट रहेगा तो उसको होल्ड कराने में पैकेज कराने में इजी हो जाता है ठीक है आर भी होंगे अपार्ट फ्रॉम बच्चों नॉन हिस्टोन्स भी होते हैं क्या होते हैं नॉन हिस्टोन्स इनका सिग्निफिकेंस आप ट्वेल्थ क्लास में पढ़ोगे कि नॉन हिस्टोन्स का क्या फंक्शन होता है ये हायर लेवल्स पर जो पैकेजिंग या एक्सप्रेशन चलती है उनमें हेल्प करते हैं तो ओवरऑल हमारे पास डीएनए भी है क्रोमैटिन में आरएनए भी है हिस्टोन्स भी है और नॉन हिस्टोन्स भी है अच्छा हम कह रहे हैं बच्चों की हम क्रोमैटिन को कराएंगे स्टेन तो होता क्या है क्रोमैटिन दो तरीके से न्यूक्लियस के अंदर अरेंज्ड है एक जगह पर बहुत ज्यादा उलझा हुआ है मतलब बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ धागा है बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ क्रोमैटिन है और कहीं कहीं पर सिंगल सिंगल धागा है तो होगा क्या जब तुम स्टेन कराओगे जहां पर ज्यादा ग्रुप ऑफ क्रोमैटिन वो ज्यादा स्टेन पी लेंगे तो उनका अपियर अपियरेंस न्यू सॉरी उनका अपियरेंस माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखाई देगा ज्यादा स्टेन ले लेंगे तो डार्क ही तो दिखाई देंगे और जहां पर सिंगल सिंगल क्रोमैटिन है उलझे हुए ज्यादा नहीं पड़े हुए हैं तो जब वो स्टेन लेंगे तो उनका कलर कैसा दिखाई देगा लाइट दिखाई देगा तो इसी एबिलिटी को देखते हुए को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है ठीक है एक जो ज्यादा स्टेन पीते हैं हेट्रोक्रोमैटिन जो कम स्टेन पीते हैं यू फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू द डायग्राम लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ यू एंड हेट्रोक्रोमैटिन ये देखो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको यहां पर डार्क ब्लू रीजन दिखाई दे रहा है यहां पर लाइट मैं माफ कर देती हूँ ये देखो ये आपको डार्क दिखाई दे रहा है ये भी डार्क दिखाई दे रहा है कंपेरेटिवली और ये भी डार्क दिखाई दे रहा है जो जो डार्कर रीजन है ना वो सारे के सारे क्या है हेट्रोक्रोमैटिन और ये लाइट दिखाई दे रहा है कंपेरेटिवली ये भी लाइट ये भी लाइट ये भी लाइट सो लाइट वाला रीजन कौन सा है बच्चों यूक्रोमैटिन या डीएनए क्या है धागा ही तो है क्रोमैटिन क्या है धागा है तो इसको हम ऐसे नहीं समझ सकते फॉर आपके पास एक व्हाइट कलर का धागा है घर में उठाओ वाइट कलर का धागा घर तो सबके पास होगा धागा है ना उस धागे में नॉट बांधते जाओ है ना बीच बीच में, बीच बीच में में कहीं कहीं पर छोड़ दो सिंगल और कहीं कहीं पर नॉट बांधते जाओ और उस पूरे के पूरे धागे को उठाओ फिर इंक में डुबो दो इंक में डुबोने के बाद यार उठाओगे तो तुम्हें ज्यादा इंक कहा दिखाई देगा जहां पर तुमने नॉट बांधा था क्यों क्योंकि यार वहां पर धागा ज्यादा है तो ज्यादा धागा ज्यादा स्टेन कलर डार्क कम धागा कम स्टेन कलर लाइट यही तो है क्रोमैटिन ठीक है जहां पर ज्यादा क्रोमैटिन है वो डार्क अपियर होगा और ऐसे हिस्से को क्या बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन जहां पर कम धागा है, वो कम स्टेन लेगा लाइट अपियर होगा उसको हम बोलते हैं यूक्रोमैटिन तो इस बात को लिख लेते हैं बच्चों इस बात को लिख लेते हैं ठीक है हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं डार्क क्यों होते हैं डार्क बिकॉज दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए कॉम्पैक्टली पैक्ड डीएनए और यू कैन से दे आर टाइटली पैक्ड डीएनए और यार ऐसे डीएनए ना ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकते ट्रांसक्रिप्शन हमेशा धागे की हो सकती ग्रुप ऑफ धागे की नहीं तो इसीलिए क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन नहीं करा सकते हम इनको ट्रांसक्रिप्टली ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव बोलते हैं कुछ बच्चे ट्रांसक्रिप्शन भूल चुके होंगे जबकि मैंने एक स्लाइड में बढ़ा रखा है एक लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना क्योंकि ये वाला हिस्सा आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती इसलिए इसको ट्रांसक्रिप्टली इनएक्टिव बोलते हैं बच्चों या हम इसको जेनेटिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं देखो मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको ठीक है अब यू क्रोमैटिन के बारे में भी लिख देते हैं यू हमने पढ़ा है ना यू मतलब अच्छा सच्चा तो सच्चा किस रिस्पेक्ट में क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो फटाफट -पत लिख लो ये कैसे होते हैं बच्चों ये होते हैं लाइट और दे आर लूजली अरेन्ज दे आर लूजली अरेन्ज नेक्स्ट वॉट वी गोना राइट वी गोना राइट क्योंकि इनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो हम लिखते हैं इनको ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव या हम क्या लिख सकते हैं दे आर जेनेटिकली एक्टिव जेनेटिकली एक्टिव तो यह बात की हमने की किसकी ये हमने बात की है टू टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन पर और ये किस बेसिस पर है ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू गेट स्टेंड क्लियर हो गया अब हम बात करते हैं बच्चों कि क्रोमैटिन किस तरीके से कंडेंस होता है और क्या बनाता है तो लेट्स टॉक अबाउट ये देखो लिखते हैं क्रोमैटिन है इस क्रोमैटिन पर क्या लगेगा बच्चों इस क्रोमैटिन पे लगेंगे हिस्टोन्स और हिस्टोन्स उसको पैकेज किस फॉर्म में कर देते हैं हिस्टोन्स उसको पैकेज कर देते हैं क्रोमोजोम के फॉर्म में ठीक है यहां पर क्या लगेंगे क्रोमैटिन के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन विच इज सेट टू बी पैकेजिंग प्रोटीन हिस्टोन लगने से पहले ये किस फॉर्म में थे हिस्टोन लगने से पहले बच्चों ये ऐसे धागे के फॉर्म में थे हिस्टोन लगने के बाद ये किस फॉर्म में आ जाते हैं कंडेंस होकर के ये कंडेंस होकर के बच्चों आ जाते हैं। देखो धागा है कंडेंस फॉर्म में दिखाई दे रहा है देखो दिस इज वॉट दिस इज क्रोमोजोम अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो बच्चों जो मैंने क्रोमोजोम बनाया है इसमें एक हिस्सा छोटा बनाया है एक हिस्सा बड़ा बनाया है है ना चलो इसकी बाउंड्री भी बना देते हैं ना यार तुम सोच रहे हो कि मैम ने ऐसा क्यों बनाया मैम ने बाउंड्री नहीं बनाई तो चलो मैंने मैम ने बाउंड्री भी बना दी है ना और यहां पर बीच में क्या प्रेजेंट होता है बीच में प्रेजेंट होता है इनका ये सेंट्रोमियर क्या बोलते हैं बच्चों इसको सेंट्रोमियर ठीक है और ये हमने क्या बनाया है डीएनए थ्रेड क्या बोलते हैं बच्चों डीएनए का थ्रेड जो कंडेंस हुआ है या तुम इसको और क्या बोल सकते हो बच्चों तुम इसको बोल सकते हो क्रोमोनिमाटा ठीक है और ये जो स्पेस है यू कैन जस्ट राइट इट टू बी मैट्रिक्स ठीक है ये तो नॉर्मल सी चीज लिखी हमने अब ये सेंट्रोमियर क्या है बच्चों सिर्फ लिखने से तो काम चलेगा नहीं तो सेंट्रोमियर के बारे में थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा सेंट्रोमियर वैसा हिस्सा होता है जहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन डीएनए की बहुत ज्यादा हुई है और ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों दिस इज सेट टू बी अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमने कल पढ़ा था कि क्रोमोजोम पर स्पिंडल फाइबर्स लगते हैं तो स्पिंडल फाइबर्स इसी जगह से आकर के लगता है है ना तो लिखते हैं और स्पिंडल फाइबर किसमें हेल्प करते हैं क्रोमोजोम्स को पोल पर ले जाने के लिए किसमें पोल पर ले जाने के लिए तो लिखो दे आर देअर फॉर पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोजोम और हर क्रोमोजोम के पास तुम्हें ये कॉन्स्ट्रिक्शन दिखाई देगी ही देगी ठीक है तो ये बात हो गई सेंट्रोमियर की इसके अलावा बच्चों तुम एक चीज देखो तुम्हें ये जो दो आर्म दिखाई दे रहे हैं, ये लेंथ में इक्वल नहीं है ये वाला जो आर्म है ना इसको बोलते हैं हम पी आर्म, और ये जो बड़ा वाला आर्म है बच्चों, इसको बोला जाता है क्यू आर दिस इज नॉट इन एनसीआरटी बट ये 2019 का ही क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है इसलिए हम बोलते हैं ना कि वैसे तो निन्यानवे बट आ जाता है तो 1 के लिए हम तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं ठीक है बट ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में तुम नाइन नाइन परसेंट गवा दो वो नहीं करना यार हमें है ना तो स्टार्ट करते हैं शॉर्टर आर्म को क्या बोलते हैं बच्चों शॉर्टर आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं और जो बड़ा वाला आर्म है द लॉन्गर आर्म इज नोन एज क्यू आर्म ठीक है अब पी क्यों बोला गया पी हे स्टैंड पिटाइट और पिटाइट का मतलब क्या होता है बच्चों शॉर्ट ठीक है इसलिए यहां से वर्ड आया पी आर अब तुम सोचो मैम तुम्हें क्यू के लिए भी कुछ बताएंगे तो क्यू ऐसा नहीं है क्योंकि इसको पी दे दिया और अल्फाबेटिकली पी के बाद क्या आता है क्यू दैट इज वाई वी से टू बी क्यू आर ठीक है अब सेंट्रोमियर के अराउंड बच्चों सेंट्रोमियर के अराउंड तुम्हें एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है काइनेटो कोर ये कलर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा कलर चेंज करते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों काइनेटो कोर ठीक है काइनेटो कोर एक सेकेंड डब्बे में बंद करो चलो कानेटो कोर के बारे में लिखते हैं कानटो कोर क्या है काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है डिस्क स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है के अराउंड प्रेजेंट है क्यों इट विल प्रोवाइड हैटैचमेंट साइट ऑफ अटैचमेंट एक सेकेंड थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करते हैं फिर से लिख देंगे इसको साइट ऑफ अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर टू स्पिंडल फाइबर इसका एक डायग्राम बच्चों एनसीआरटी में भी दिया होगा तुम वहां से भी देख सकते हो नहीं तो आई विल शो यू माय डायग्राम जैसे सेकेंड ये देखो ये तुम्हें एक क्रोमोजोम दिखाई दे रहा है और ये तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं कानीटोकोर इससे तुम्हें एक और बेटर डायग्राम दिखाती हूं ये देखो ये क्या है क्रोमोजोम है क्रोमोजोम के अराउंड ये जो येलो पोर्शन है ये क्या है काइनेटोकोर और इसी काइनेटोकोर के थ्रू तुम्हें धागा दिखाई दे रहा है ये धागा क्या है बच्चों स्पिंडल फाइबर्स है और इन स्पिंडल फाइबर्स का काम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था ये क्रोमोजोम को खींचेंगे आधे हिस्से को इधर खींच के ले जाएंगे आधे हिस्से को उधर खींच के ले जाएंगे ठीक है तो कैनेटो का काम क्या है कैनेटो का काम है स्पिंडल फाइबर के लिए जगह प्रोवाइड करना जहां पर वो आकर के लगेंगी ठीक है और ये कान कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये कानो प्रेजेंट होते हैं अराउंड around… सेंट्रोमियर ठीक है तो हमने सेंट्रोमियर पढ़ा हमने और क्या पढ़ा है हमने आर्म्स के बारे में पढ़ा हमने कानीटो के बारे में पढ़ा है ठीक है एक सेकेंड हमने आर्म्स के बारे में पढ़ा है और हमने कानो के बारे में पढ़ा है अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों यार इनके एंड पर इनके एंड पर एक और हिस्सा प्रेजेंट होता है रिच इन अमीनो एसिड और उस हिस्से को क्या बोलते हैं किस कलर से दिखाया जाए इस कलर से दिखा देते हैं ब्लू ये देखो एंड पर यहां पर और यहां पर इस हिस्से को बोला जाता है बच्चों टेलोमेयर क्या बोलते हैं टेलोमेयर व्हाट इज टेलोमेयर टेलोमेयर होता है ना बच्चों वो क्रोमोजोम के एंड पर मिलेगा यहाँ पर तुम्हें एक रॉड दिखाई दे रही है तो देखो दोनों के टर्मिनल एंड पे वॉट यू कैन सी फायदा क्या है यार आपने देखा होगा ना पहली बात तो याद रखना एंड पर मिलेगा दूसरी बात आपने याद रखना है क्रोमोजोम की शॉर्टनिंग होने से बचाता है क्योंकि जितना जल्दी लेंथ छोटा होता रहेगा उतने जल्दी फास्ट एजिंग होगी मतलब क्या है इसका यार तुमने देखा होगा ना कि किसी किसी में यार जो थर्टी होते हैं दे लुक लाइक थर्टी फाइव और दे लुक लाइक फोर्टी और कभी कभी किसी किसी केस में देखा होगा यार स्कूल में जब पेरेंट टीचर मीट होता है तो दोस्तों की मम्मी भी आते हैं पापा भी आते हैं है ना खुद के भी मम्मी पापा जाते हैं तो तुमने कभी देखा या आस पड़ोस आंटी में देखा है या दोस्तों के मम्मी पापा में देखा है यार उसकी मम्मी होती फोर्टी फाइव प्लस है बट दिखती वो थर्टी एट के अराउंड है या थर्टी फाइव के अराउंड है दिस अ ह्यूज डिफरेंस बच्चों मैं हीरो हीरोइन की बात नहीं कर रही हूँ दे ऑल और आर्टिफिशियल हम आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं हम नेचुरल एजिंग की बात कर रहे हैं बच्चों नेचुरल एजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है यही टेलोमेयर कंट्रोल कर रहा है जिसका टेलोमेयर का लेंथ जितना अच्छा होता है उसमें एजिंग उतनी ही लेट आती है तो भगवान से मनाओ एजिंग थोड़ा बाद में ही आए दैट मीन्स तुम्हारा टेलोमेयर का लेंथ सलामत रहे जैसे फॉर एग्जाम्पल यार वो मूवी है ना पा जिसमें कौन है एक्टर अमिताभ बच्चन तो आपने देखा होगा नहीं देखा होगा बच्चों गूगल कर लेना आप गूगल मास्टर हो है ना तो करोगे तो तुम्हें तो 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 उसकी एक इमेज दिखाई देगी जिसमें एक बच्चा एकदम एजेड अपियर हो रहा है बूढ़ापे की तरह रिजेंबल मतलब बूढ़ा रिजेंबल हो रहा है क्यों क्योंकि बच्चों वो एक बीमारी से सफर कर रहा है उस बीमारी का नाम है प्रोजेरिया और प्रोजेरिया बीमारी में क्या होता है डिफेक्टिव टेलोमियर तो एजिंग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ठीक है तो टिलोमियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो है जो एजिंग कंट्रोल करता है कहां पे प्रेजेंट होता है एंड पे प्रेजेंट होता है फटाफट लिख लो एक दो पॉइंट रिलेटेड सबसे पहले प्रेजेंट एट एंड ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट एट एंड ऑफ क्रोमोजोम और क्या करता है ये इट प्रिवेंट्स शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोजोम इट प्रिवेंट्स शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोजोम शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोजोम अच्छा ये तो हमने बात कर ली एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम की अच्छा ये क्रोमोजोम में तुम्हें कितने रॉड्स दिखाई दे रहे हैं एक सिंगल रॉड दिखाई दे रहा है ना तो जब एक क्रोमोजोम में एक ऐसा सिंगल रॉड दिखाई देता है तो इस क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं बच्चों ऐसे क्रोमोजोम को हम बोलते हैं मोनाड क्रोमोजोम मोनाड मोनाड को रिलेट करो मोनो से मोनो का मतलब क्या होता है वन तो इसमें कितना रॉड है एक और इस रॉड को क्या बोलते हैं इस रॉड को हम बोलते हैं क्रोमेटेड सो so, एक मोनाट क्रोमोजोम के पास कितना क्रोमैटेड है बच्चों एक क्रोमैटेड कितना एक क्रोमैटेड इसको एक और डायग्राम से भी समझते हैं कि क्रोमैटेड क्या होता है ये देखो ये देखो हमने ये क्या बनाया था ये हमने बनाया हुआ है यहां पर तुम्हें एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तो जब एक सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं मोनाड क्रोमोजोम दिस इज वॉट दिस इज मोनाड क्रोमोजोम एंड हाउ मेनी क्रोमैटेड इज देयर सिंगल क्रोमैटेड है ये भी क्रोमोजोम बट कैसा मोनाड और कितनी क्रोमैटेड है सिंगल क्रोमैटेड ठीक है अब तुम देखो यहां पर क्या हो रहा है जब इसी मोनाड क्रोमोजोम का क्या हो जाए रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन में क्या होता है डीएनए की कॉपी बन जाती है है ना डीएनए रेप्लीकेट कर जाता है कॉपी बना लेता है तो देखो ये वाला सो पहले से मौजूद था ये जो डीएनए का धागा है वो पहले से तुम्हें दिखाई देगा जो अब ये बन रहा है इज अ रेप्लीकेटेड थ्रेड क्या है थ्रेड और इससे हो क्या रहा है अब तुम्हें कितने रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दो एक रेड वाला और एक पिंक वाला दो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखने का मतलब क्या है हम इसको क्या बोलेंगे अब ये जो क्रोमोजोम लिखा हुआ है ना दिस इज डाड क्रोमोजोम क्या है बच्चों ये डायर्ड क्रोमोजोम तो बहुत सारे बच्चे पहले सोच रहे होंगे कि हम मोनाट क्यों पढ़ रहे हैं जनरली रेप्लीकेशन से पहले तुम्हें हर क्रोमोजोम इसी तरीके से दिखाई देगा पर जब एक क्रोमोजोम का रेप्लीकेशन हो जाता है तो मोनाड से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं डायाड में मोनाट के पास कितना क्रोमेटेड है दो डायाड के पास हम कितना बोलेंगे क्रोमेटेड दे हैव टू क्रोमैटिक्स दे हैव टू क्रोमेटिक्स अब देखो कौन कौन से क्रोमैटेड है दिस इज क्रोमैटेड नंबर वन दिस इज क्रोमैटेड नंबर टू जब दो क्रोमैटिक्स सेम सेंट्रोमियर शेयर करें सेम करें ना सेंट्रोमियर शेयर तो हम ऐसे क्रोमैटिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों हम ऐसे क्रोमैटिक्स को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिक्स क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिक्स थोड़ा और इसको जानते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये क्रोमोजोम वन है ठीक है जैसे हमारे पास हमारे पास जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चों तो मैं आपको वहां पर हैप्लॉयड और डिप्लॉय का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि हैप्लॉयड सेल क्या होता है सेल क्या होता है छोटा सा यहाँ पर एक उसका जिक्र करते हैं जैसे हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है है ना हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म डाई क्यों बोल रहे हैं डिप्लॉयड में डाई वर्ड आ रहा है क्योंकि हमारे पास जितना भी क्रोमोजोम है ना बच्चों वो सेट में मौजूद है इसीलिए हमें बचपन से रटवाया गया है

पहले ये क्रोमोजोम वन किस फॉर्म में होगा ये पहले क्रोमोजोम वन मोनाड के फॉर्म में होंगे ये देखो ये इस तरीके से मोनाड फॉर्म में होंगे जब इन क्रोमोजोम का क्या हुआ होगा रेप्लिकेशन तो तुम्हें वो किस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं डायर्ड फॉर्म में ठीक है तो ये फर्क है मोनाड और डायर्ड का तुम अगर इस वाले मोनाड की बात करो तो यहां पर भी सिंगल क्रोमेटेड है इस वाले मोनाड की बात करो तो यहां पर भी सिंगल क्रोमेटेड है जब उन मोनार्ड का रेप्लीकेशन हुआ तो यहां पर देखो एक के पास कितना है दो क्रोमैटिक्स इसके पास भी कितने हैं दो क्रोमैटिक्स ठीक है अब होता क्या है बच्चों ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा होता क्या है ये दोनों क्रोमोजोम वन के पेयर है ना दोनों क्रोमोजोम वन के ही पेयर हैं, ऐसे पेयर को क्या बोलते हैं होमोलोगस पेयर क्या बोलते हैं होमोलोगस पेयर ठीक है ऐसे पेयर को हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर और यू कैन जस्ट से होमोलोगस क्रोमोजोम एक होता है नॉन होमोलोगस वो नॉन होमोलोगस क्या होता है सुन लो ये हो क्रोमोजोम वन और ये हो क्रोमोजोम टू तो ये क्या है सेम सेम है नहीं जब सेम सेम ना हो तो ऐसे क्रोमोजोम को हम क्या बोलते हैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम क्या बोलते हैं बच्चों नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम बच्चों इन सब सारे टर्मिनोलॉजीज़ का काम आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में मैं दोबारा से बोल रही हूं होमो का मतलब सेम सेम क्रोमोजोम की पेयरिंग नॉन होमोलोगस का मतलब डिफरेंट ये वाला नहीं होता हमारे अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो सेम सेम की पेयरिंग होती है अब दूसरा कंफ्यूजन ये भी मत रखना हम चाहें तो एक होमोलोगस को इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं और एक होमोलोगस को इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं फर्क क्या है यहां पर मोनाट के फॉर्म में दिखाया है यहां पर डायाड के फॉर्म में दिखाया है यहां पे भी मैं चाहती तो उसको कैसे कर सकती थी दिस इज क्रोमोजोम वन एंड दिस इज क्रोमोजोम टू यहां पर भी मैंने नॉन होमोलोगस ही दिखाया है बट फर्क है कि मैंने क्रोमोजोम जो लिए हुए हैं वो मोनाड फॉर्म में लिए हुए हैं तो मोनाड से ही डायाड बनता है ठीक है रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है कंफ्यूज मत होना मोनाड में एक डायार्ड में दो क्रोमैटेड अच्छा मुझे आपको एक्सप्लेन करना था सिस्टर जिससे हम जुड़ गए इन टॉपिक से सिस्टर से देखो यहां पर आ जाओ ये है इस क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर इस वाले क्रोमोजोम का और ये है इस वाले क्रोमोजोम का सेंट्रोमियर है ना इसको अलग कलर से दिखाते हैं ये अब देखो पहले वाले के पास आओ ये हो गया क्रोमैटेड नंबर वन ये हो गया क्रोमैटेड नंबर टू ये हो गया क्रोमेटेड नंबर थ्री और यह हो गया क्रोमैटेड नंबर फोर अब ध्यान से देखना बच्चों सिस्टर क्रोमेटेड हम कब बोलते हैं जब दोनों क्रोमैटेड का सेम सेंट्रोमियर हो अगर दो क्रोमैटेड एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं सच क्रोमैटेड दे आर सेट टू बी सिस्टर क्रोमेटेड वेयर एज अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां पर सिस्टर कौन है वन टू कैसे हैं? सेम सेंट्रोमियर वाले तो सिस्टर यहां पर देखो थ्री और फोर सेम सेंट्रोमियर वाले हैं तो ये भी क्या है बच्चों सिस्टर क्रोमेटिक्स ये भी क्या है सिस्टर क्रोमैटिक्स नॉन सिस्टर हम कब बोलते हैं जब सेंट्रोमियर अलग अलग हो जैसे 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 अलग पेन से लिखते हैं यहां पर वन और थ्री क्या है देखो नॉन सिस्टर टू और फोर क्या है नॉन सिस्टर और टू और थ्री भी क्या है नॉन सिस्टर वन और फोर क्या है ये सारे के सारे क्रोमैटिक्स कैसे हैं नॉन सिस्टर तो सीधी सीधी भाषा में बोले खुद का हो सिस्टर दूसरे दूसरे सेंटोमियर का हो तो नॉन सिस्टर और मैंने यहां पर एग्जाम्पल्स नंबरिंग करके भी दिखा दिया है कौन कौन से सिस्टर हैं और कौन कौन से नॉन सिस्टर क्रोमेटिड? तो यहां पर हमने समझा कि होमोलोगस क्या होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होता है मोनाड क्या होता है डायार्ड क्या होता है हर क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड्स हो सकते हैं मोनाड में कितने डायार्ड में कितने ठीक है और हमने सिस्टर और नॉन सिस्टर भी समझ लिया ठीक है यहां पर देखो इस डायग्राम में तो कुछ भी नहीं दिखा रहे बस दिखा रहे हैं कि क्रोमेटिड होता क्या है वर्टिकल हाफ ऑफ द्रोमोजोम ये कैसा क्रोमोजोम है ये एक डायड क्रोमोजोम है तो ऑब्वियसली तुम्हें दो क्रोमैटेड दिखाई दे रहा है एक येलो वाला और एक ब्लू वाला बिकॉज वाई डायड टू क्रोमेटिड और दोनों क्रोमेटिड का सेंट्रोमियर भी सेम है तो ये कैसे क्रोमेटेड है बच्चों ये सिस्टर क्रोमेटेड है दोबारा से रिवाइज करा दिया रटा दूंगी तुम लोगों को बिल्कुल अच्छे से ठीक है ओके अब आते हैं बच्चों हमने क्रोमैटिक डिस्कस कर लिया तो इसी मोनाड जब क्या कर जाता है रेप्लीकेट तो यू विल गेट टू सी डायड अच्छा एक और चीज आपको बताती हूँ एक और चीज बताते हैं यार पोता क्या है जैसे मान लो ये क्रोमोजोम है क्या है ये क्रोमोजोम है तो क्रोमोजोम के टर्मिनल एंड्स पर

एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी मिलती है बच्चों यह कंपल्सरी फीचर नहीं है कि हर क्रोमोजोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा यहां हम इसको बोलते हैं नॉर नॉर का फुल फॉर्म क्या होता है न्यूक्लियोलर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन तो प्राइमरी तो सबके पास है किसी किसी के पास सेकेंडरी भी होती है और सेकेंडरी के बाद अगर कोई हिस्सा मौजूद होगा सेकेंडरी के बाद जो हिस्सा मौजूद होता है क्रोमोजोम में फिर वो क्या कहलाता है वो कहलाता है सैटेलाइट और अगर किसी भी क्रोमोजोम के पास ऐसा फीचर हो तो वो क्रोमोजोम अब सैट क्रोमोजोम बन जाता है

बियॉन्ड जो हिस्सा कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट जैसे अगर हम अपनी बात करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास तेईस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है और सारे के सारे क्रोमोजोम के पास सैटेलाइट है नहीं बच्चों बिकॉज अ कंपल्सरी फीचर कहाँ कहाँ पे मिलता है अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं इन ह्यूमंस वी है फाइव पेयर ऑफ सैट क्रोमोजोम और ये कहाँ कहा, कौन कौन से क्रोमोजोम में मिलता है क्रोमोजोम तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस एंड बाईस यहां पर मिलता है बच्चों सिर्फ इन्हीं पर ठीक है बाकी सब पे प्राइमरी मिलेगा इनपे प्राइमरी भी मिलेगा एलोंग विथ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन ठीक है प्राइमरी भी मिलेगा अलोंग विद सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और इनका फायदा क्या होता है ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करते हैं तो पांच पेयर का मतलब है ये कितने न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं दस ठीक है पांच पेयर जोड़े में है ना तो कितने बनेंगे दस ठीक है तो ये बात हो गई हमारे सैटेलाइट की और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की तो हमने देखा कि एक क्रोमोजोम में एक क्रोमोजोम में बच्चों रिवाइज करते हैं एक क्रोमोजोम में ऐसे डीएनए थ्रेड्स होती हैं कंडेंस्ड फॉर्म में जिनको क्रोमोनिमाटा बोलते हैं ये खाली मैट्रिक्स होता है ठीक है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी हो सकता है अलोंग प्राइमरी विमरी और इनके एंड पर क्या होता है इनके एंड पर लगा होता है टिलोमियर जो हमारा शॉर्टनिंग वगैरह से प्रिवेंट करके एजिंग वगैरह को कंट्रोल करता है वी हैव रिवाइज्ड आल्सो। ओके अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम

ठीक है बिकॉज क्या करते हैं वो एनसीआरटी फिगर को उठाकर से आपसे पूछने पूछते हैं भैया बताओ आइडेंटिफाई करो फिगर तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे जब वो पिक्चर तुम्हारे दिमाग में हो क्योंकि इतनी अच्छी नहीं होती कि देखते ही पहचान जाओ वो तभी तुम पहचान सकते हो बच्चों जो तुम्हारे दिमाग में है ठीक है और देखो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रोमियर भी दिखा रखा है जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी दिखा रखा है जिसके बियॉन्ड वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं सेटेलाइट ये हिस्सा सबके पास हो तो ऐसा नेसेसरी नहीं है ठीक है अब यहां पर देखो क्या हो गया यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है बीचो बीच है तो क्या है मेटासेंट्रिक है ना एक काम करते हैं अपना डायग्राम बनाते हैं बनाते चलेंगे लिखते चलेंगे मेटासेंट्रिक में क्या होता है सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचो बीच होता है बीचो बीच के लिए वर्ड क्या लगा हुआ है मीडियन तो वी कैन राइट सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर एट सेंटर एट सेंटर ठीक है नेक्स्ट इसकी वजह से होगा क्या अगर मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चों तो अगर सेंट्रोमियर में बीचो बीच बनाती हूं तो देखो दोनों आर्म की जो लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल आती है इक्वल आर्म्स ठीक है और जब ऐसा होता है तो हम ऐसे आर्म्स को क्या बोलते हैं हम ऐसे आर्म्स को बोलते हैं आइसो ब्रैक्यूल आर्म्स आइसो ब्रैक्यूअल आर्म्स आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों सेम और यू कैन से इक्वल अब जब इस तरीके के क्रोमोजोम होंगे तो क्रोमोजोम पे भैया स्पिंडल फाइबर तो चिपकेंगे ही और स्पिंडल फाइबर का काम होता है खींचना तो जब ये खींचते हैं ना एना के दौरान तो मेटा सेंट्रिक का क्रोमोजोम शेप कैसा लेगा कैसा शेप ले लेता है बच्चों वी शेप देखो ये है हमारे मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम ये है हमारे मेटा बिल्कुल इक्वल जब स्पिंडल फाइबर इनको खींचेगा पुल करेगा तो क्या होंगे ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ झुकेंगे और झुक करके ये शेप कैसा लेते हैं वी ये वी शेप इसलिए आ रहा है कि सेंट्रोमियर बिल्कुल बीचो बीच है तो इस लाइन को लिखते हैं बच्चों इस लाइन को लिखते हैं दैट दे एक्वायर वी शेप वी शेप ड्यूरिंग एनाफेस ड्यूरिंग एनाफेज तो एक चीज जो हमें समझ में आई कि जो भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर जैसे यहां पर बीचो बीच था अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट है सब मेटा सेंट्रिक सब मेटा में क्या होता है मीडियन से थोड़ा सा हटके ठीक है एकदम बीचो बीच नहीं होगा स्लाइटली अवे होगा तो व्हाट वी गोन राइट सेंट्रोमियर इज सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम दी सेंटर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर चलो ड्रॉ भी कर लेते हैं इसका डायग्राम थोड़ा सा स्लाइटली अवे कर देते हैं बिल्कुल बीचों बीच नहीं रखते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है तुम्हें दो अन आर्म्स मिल रही हैं फटाफट लिख लो क्या मिल रही हैं? अन एकक्वल आर्म्स और जब दो अलग अलग चीज हो जाती हैं बच्चों तब जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज हेट्रो हैट्रो का मतलब डिफरेंट क्यों बोल रहे हैं डिफरेंट क्योंकि आर्म्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है हेट्रोब्रैकियल आर्म्स और अगर इस तरीके के क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है बच्चों एना के दौरान जब स्पिंडल फाइबर लगते हैं तो देखो शेप कैसा आ रहा है ये देखो ये है सब मेटासेंट्रिक तो इन्होंने किस तरीके का शेप लिया दिस इज एल शेप ये कैसा था दिस इज वी शेप और ये एल शेप क्यों आया क्योंकि सेंट्रोमियर बीचो बीच नहीं था थोड़ा सा अवे था फ्रॉम दी सेंटर तो लिख लेते हैं बच्चों इसको सी पार्ट में दैट एल शेप इट विल एक्वायर एल शेप ड्यूरिंग एना फेज एल शेप ड्यूरिंग एना फेज ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं एकोसेंट्रिक क्रोमोजोम एकोसेंट्रिक क्रोमोजोम क्या होता है एको में जो सेंट्रोमियर है इज क्लोस्ट टू टर्मिनल एंड टर्मिनल पे पहुंचे नहीं अभी बट दे आर क्लोज टू टर्मिनल एंड इसलिए देखो लिखा हुआ है सब टर्मिनल का मतलब होता है एंड सब मतलब उसके नजदीक है पहुंचे नहीं नजदीक है इसकी वजह से क्या होता है एक बहुत छोटा आर्म मिलता है और एक बहुत बड़ा आर्म मिलता है वेरी शॉर्ट आर्म वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन यू गेट वेरी लॉन्ग आर्म वेरी लॉन्ग आर्म बट है तो इक्वली एक बड़ा एक छोटा तो यहां पर भी अनईक्वल मिल रहा है बच्चों और अनईक्वल की वजह से हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे हेटरो ब्रैकअल आर्म क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों हेटरो ब्रैक्यूल और ये शेप कैसा लेता है ये देखो दिस इज दिसप ये एल्फाबेटिकली कैसा अपियर हो रहा है जे शेप ठीक है तो लिख लेते हैं इसको दैट दे एक्वायर जे शेप जे शेप ड्यूरिंग एनाफेज और ये सबसे एडवांस है बच्चों क्योंकि देखो हमारे डेफिनेशन को भी कितना अच्छा सूट कर रहा है वन वेरी शॉर्ट आर्म पी आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म दैट क्यू आर्म है ना और ये कहां पर मिलता है ये मिलता है जैसे हमें हमें पता है ना कि ह्यूमन मेल के पास एक वाई क्रोमोजोम होता है है ना क्योंकि ह्यूमन मेल का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है एक्स और वाई तो एक्स तो हमारे पास भी है बट उनके पास एक अलग टाइप का है दैट इज वाई तो वाई क्रोमोजोम होता है ठीक है और वो कैसा क्रोमोजोम होता है एक्रोसेंट्रिक होता है अब सेंट्रोमियर चलना शुरू किया था पहले सेंटर पर फिर थोड़ा सा सेंटर से दूर फिर थोड़ा और दूर अब एकदम कहां पर पहुंच चुका है बच्चों एकदम पहुंच चुका है एंड पर जिसको हम क्या बोलते हैं टिलो टिलो का मतलब ही होता है बच्चों टर्मिनल क्या मतलब होता है टर्मिनल दैट मींस अब ये कहां पर पहुंच चुका है सेंट्रोमियर एकदम टर्मिनल्स पर पहुंच चुका है इसीलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल सेंट्रोमियर तो चलो ड्रॉ भी कर लेते हैं ये देखो यहां पहुंचा दिया सेंट्रोमियर और ये तुम्हें एक आर्म दिखाई दे रहा है अब इससे हो क्या रहा है बच्चों तुम देख सकते हो कि एक सिंगल आर्म ही है और तुम्हें शेप भी किसकी तरीके दिखाई दे रहा है आई शेप तो लिख लो आई शेप जब एना फेस के टाइम स्पिंडल फाइबर लगेंगे तो यहीं से लग जाएंगे और उसको खींच करके पोल्स पर लेकर के चले आएंगे तो हमने एक चीज और देखी कि जो क्रोमोजोम के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं चार किस बेसिस पर सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर और एक और जो तुम्हें चीज समझ में आ रही है दैट हाउ मेनी शेप्स ऑफ क्रोमोजोम आर पॉसिबल फोर शेप्स ऑफ क्रोमोजोम आर पॉसिबल वी जे I and L. और ये किस बेसिस पर है अगेन के पोजिशन के बेसिस पर ठीक so, है ईडियोग्राम के बारे में सुना होगा नहीं सुना है तो कोई बात नहीं सुन लो ये देखो कैरियोटाइप समझना क्या होता है बच्चो कैरियो उस फीचर को बोलते हैं जिससे एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम के सेट को आइडेंटिफाई करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल यार हमने पढ़ा कि तेरह चौदह पंद्रह इक्कीस बाईस कैसा क्रोमोजोम होता है क्रोमोजोम होता है means, ऐसे क्रोमोजोम को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना ऑन विच बेसिस ऑन विच फीचर द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन और बाई द प्रेजेंस ऑफ सैटेलाइट तो इन सारे छोटे छोटे फीचर्स जिनका इस्तेमाल करके हम एक

तो आप देख सकते हो हमारे पास जितना भी क्रोमोजोम, है। क्रोमोजोम वन की बात करो दो सेट क्रोमोजोम सेट्स में है पेयर में है इसीलिए हम कैसे ऑर्गेनिज्म है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ठीक है और जिन फीचर्स का इस्तेमाल करके इन पर्टिकुलर क्रोमोजोम को आइडेंटिफाई किया है उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं और जब इस कैरियोटाइप को ग्राफिकली क्या कर दें हम प्रेजेंट कर दें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं जैसे ये इसका क्या है ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं बच्चों ईडियोग्राम क्या बोलते हैं ईडियोग्राम तो ये देखो ये क्या है ह्यूमन का कैरियो टाइप है जिसमें यहां पर अगर किसी के पास एक्स एक्स हो मतलब ये सारा ट्वेंटी टू तक तो हो बट अगर किसी के पास एक्स एक्स हो तो वो बन जाता है ह्यूमन फीमेल और अगर किसी के पास एक्स वाई हो तो वो क्या बन जाता है ह्यूमन मेल आप देखो यहाँ पर जो बाई क्रोमोजोम है कितना छोटा है और कैसा क्रोमोजोम होता है एकरोसेंट्रिक क्रोमोजोम होता है तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपने याद रखना था कि कैरियोटाइप क्या होता है अगर उसी कैरियोटाइप को क्रोमोजोम को हम ग्राफिकली पेपर में लिख दें तो उसको क्या कहलाया जाता है वो ईडियोग्राम कुछ बच्चे ये भी सोच रहे मैम पर सैटेलाइट तो दिख नहीं रहा क्योंकि इतना माइक्रोस्कोपिक लेवल नहीं है बच्चा वो तुम याद कर सकते हो कि हमारे पास पांच पेयर्स ऐसे होते हैं जहां पर सैटेलाइट मिलती है और उनको सैट क्रोमोजोम बोलते हैं ठीक है तो ये हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में हो गया अब हम बात करेंगे बच्चों सबसे छोटे टॉपिक का जो सिर्फ एक लाइन एनसीआरटी में दिया हुआ है दैट इज माइक्रोबॉडीज सबसे लास्ट टॉपिक है एनसीआरटी का दैट इज माइक्रोबॉडीज क्या होते हैं माइक्रोबॉडीज माइक्रोबॉडीज भी बच्चों सिंगल बाउंड ऑर्गेनिल है सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में भी मिल सकता है एनिमल्स में भी मिल सकता है बट दे आर जनरली एसोसिएटेड विद प्लांट्स जैसे हम बात करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज की अब देखो एनसीआरटी में तो बच्चों देखो है नहीं उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बट थोड़ा सा मिक्स एक्स्ट्रा करेंगे सिर्फ थोड़ा सा ही ठीक है थ्री टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज पहला लिखेंगे हम पर के बारे में पर में एक वर्ड आ रहा है परऑक्साइड है ना That means इनके पास क्या होती है बच्चों इनके पास एंजाइम होती है सिंथेसिस सिंथेसिस ना शरीर के लिए अच्छा नहीं है चाहे हमारे अंदर बने या प्लांट के अंदर बने है ना लेकिन बन तो रहा ही है कौन सी एंजाइम बना रही है ऑक्सीडेज एज वर्ड लग गया मतलब एंजाइम है तो अच्छा नहीं होता तो वाई डिफॉल्ट भगवान ने इनको इंजाइम तो दी है पर तो एक और इंजाइम दी हुई है कि ऑक्साइड को तोड़ सके इनके पास एक और इंजाइम होती है catalyze. Catalyze, नाम से ही समझ में आ रहा है कैटलिस कराएगा किसकी पर ठीक है ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ किसका पर तो याद रखना ऑक्सीजो में क्या होता है पर की सिंथेसिस भी हो सकती है ऑक्सीडेज से और उसको तोड़ा भी जा सकता है विदी हेल्प ऑफ कैटलेस कहां पर चलते हैं बच्चों ये प्लांट्स में भी मिलते हैं और एनिमल्स में भी मिल सकते हैं बट जनरली कहा मिलते हैं ज्यादा जनरली ये मिलते हैं प्लांट्स में वाई क्योंकि प्लांट्स में एक फिनमिना चलता है बच्चों फोटोरेस्पिरेशन जो कि आप डिटेल में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में तो फोटो रेस्पिरेशन जो चलती है प्लांट्स में वो कहां चलती है परोक्सिजोम में तो ऑब्वियसली ये ज्यादातर कहां पर मिलेंगे ये ज्यादातर मिलेंगे प्लांट्स के अंदर ठीक है नेक्स्ट जो टाइप है बच्चों नेक्स्ट टाइप इज स्पेरोजोम स्पेरोजोम पेरोजोम भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है क्योंकि ये भी किसका पार्ट है ये भी माइक्रोबॉडीज का पार्ट है इस इसका फंक्शन था पर ऑक्साइड बनाना इसका फंक्शन क्या है और ये कहां पर मिलती है बच्चों एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स एंडोस्पर्म ऑफ ऑयल सीड्स एंडोस्पर्म नरिशमेंट टिश्यू होता है जो प्लांट्स में मिलता है ये किसमें रिच होती हैं बच्चों दे आर रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और हमने पढ़ा है बच्चों एक ऑर्गेनल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में रिच होता है दैट इज लाइजोजोम तो ये देखो ये एंडोस्पर्म कहां पर मिलता है प्लांट के अंदर दैट मीन्स ये स्पेरोजोम कहां पर मिल रहा है प्लांट के अंदर इसके अलावा हमने बोला कि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है दैट मीन्स दे बिहेव एज लाइजोजोम इसीलिए हम इनको बोलते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्लांट दे दे आर आर प्लांट लाइजोजोम तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों दर्ड टाइप ऑफ माइक्रोबॉडीज जिसका नाम होता है ग्लायोगी क्या नाम होता है ग्लायोगीजोम्स ग्लायोगी के नाम में देखो एक वर्ड आ रहा है ग्लाय्जोम है ना क्यों इसको कैसे याद रखोगे बिकॉज दे आर साइट फॉर ग्लाइक्लेट ग्लाइलेट साइकिल दे आर द साइट फॉर ग्लायोग साइकिल और इस साइकिल के थ्रू होता क्या है इस साइकिल के थ्रू बच्चों फैट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है फैट इज कन्वर्टेड इंटू फैट इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बन रहा है नया नया ग्लूकोज बन रहा है किसके टूटने से फैट के टूटने से क्योंकि नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है इसीलिए इस प्रोसेस को और क्या बोलते हैं ग्लूको नियो जेनिस देखो वर्ड को तोड़ोगे मतलब समझ में आएगा जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ग्लूको मतलब ग्लूकोज क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बन रहा है न्यू का मतलब न्यू सो ये जो न्यू ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है कहाँ से बन रहा है इस फैट से बन रहा है जहाँ पर इस फैट को इसमें कन्वर्ट कराया जा रहा है इस साइकिल को बोलते हैं ग्लायोक्सिलेट साइकिल और ये चलती कहाँ है ग्लायोगिजो में डिटेल ऑफ दिस साइकिल इज नॉट रिक्वायर्ड द डिटेल इज नॉट रिक्वायर्ड बस आपने याद रखना है कि इसमें मोटा मोटा होता क्या है और ये कहाँ चलती है बच्चों ये जो साइकिल है ना ये जो कन्वर्जन है इट वुड बी एबसेंट इन एनिमल्स इट वुड बी एबसेंट इन एनिमल्स क्योंकि ठीक है ये कराने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखना ये तुम्हें में नहीं मिलेगीउट देंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबॉडीज जिससे हमारा चैप्टर हो जाता है एंड ठीक है तो अब हम कर लेते हैं बच्चों थोड़े से क्वेश्चन को डिस्कस तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चो की विच ऑफ दल ऑर्गेन विद दिलेशन बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज देशन फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना एटीपी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों फॉस्फोराशन और आगे वर्ड फोटो लगा हुआ है फोटो का मतलब लाइट और हमने डिस्कस किया था बच्चों लाइट कहा होगी जहां पर पिगमेंट्स होंगे पिगमेंट्स कहा होते हैं माइटो के रिस्पेक्ट में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में क्लोरोप्लास्ट के रिस्पेक्ट में तो क्लोरोप्लास्ट में बच्चों जो एटीपी बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट दैट इज टू बी फोटो फोस्फोराइलेशन तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है होता तो यहाँ पे भी है बट दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन प्लास्टोकॉन्ड्रिया इज दी अनदर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो ये दोनों गलत क्लोरोप्लास्ट इज दी राइट आंसर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रियोल्स हैव नाइन प्लस नो मेरे बच्चों सेंट्रियोल्स हैव नाइन जीरो अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स या हम कह सकते हैं कार्टव्हील अरेंजमेंट, नाइन पेरिफेरल डबलेट डबलेट नहीं होता बच्चों क्या होता है ट्रिपलेट अरेंजमेंट्स होती है माइक्रो की टू सेंट्रली लोकेटेड नहीं ये वो लाइन किसके लिए लिखी हुई है सीलिया और फ्लाजिला में दो सेंट्रली प्लेस माइक्रो होते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक दी कार्टील राइट बिकॉज हम सेंट्रियोल का जब ट्रांसफोर सेक्शन कट करते हैं तो हमें जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है बच्चों इनफ्लाजिला एंड सीलिया द नंबर ऑफ डबलेट प्रेजेंट इन दी पेरीफेर रीजन ऑफ एक्सोनिम एक्जोनिम क्या था इंटरनल स्ट्रक्चर और जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर कट किया था बच्चों तो हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर तुम्हें नाइन डबलेट्स दिखाई देते हैं नाइन इंटू टू क्या हो जाएगा अट्ठारह डबलेट्स हम बीच वालों को काउंट नहीं करेंगे क्यों क्योंकि ये सेंटर पे मौजूद होते हैं क्वेश्चन में सिर्फ पेरी पूछा है फेरल मतलब बाहर बाहर की तरफ तो नाइन डबलेट्स होते हैं तो नाइन इंटू टू कितना हो जाएगा बच्चों एटीन सो द करेक्ट आंसर वुड बी अट्ठारह अगर टोटल पूछता तब हम क्या करते हैं बीस तब हम इन दोनों को भी काउंट कर लेते ठीक so है नेक्स्ट द इंटर डब्लेट लिंक इन है बच्चों दो डबलेट्स होती हैं दो डबलेट्स के बीच में लिंकर प्रेजेंट होता है इसी लिंकर को हम क्या बोलते हैं इंटर डबलेट ब्रिज इंटर का मतलब क्या हो गया बिटवीन तो so ये जो ब्रिज मौजूद है बच्चों ये दो डबलेट्स के बीच में मौजूद है इसीलिए वर्ड क्या लगा हुआ इंटर और ये किस प्रोटीन का बना होता है दिस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्रोटीन है ना तो चलो आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रोटीन का ही नाम पूछा है तो वॉट वी गोना मार्क बच्चों आर में प्रेजेंट होता है किस माइक्रोटिब्यूल के ए वाले माइक्रोटिब्यूल के और ये किस में हेल्प करता है इसके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है फ्लाजुल तो यहां होगा ही नहीं फ्लाजुल बैक्टीरिया के पास मिलता है और एक्टिन हमने साइटोस्केलेटन में नहीं मतलब साइटोस्केलेटन ऑफ सेंट्रियो और सीलिया सीलियाला में नहीं पड़ा था ये मसल मसल्रेक्शन में हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट मैच दॉलम वन विदम टू फटाफट मैच करते हैं बच्चों सबसे पहले फैट स्टोरेज लिखा हुआ है फैट कहा होता है इलायोप्लास्ट में मतलब इलायोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप है जो किसको स्टोर करता है मेरे बच्चों फैट को सीलिया किसका बना होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के पास एफ नॉट एफ वन होता है जिसको मॉक्सीजोम बोलते हैं ठीक है माइक्रोपेंट्स एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं जो कैसे होते हैं कॉन्ट्रेक्सटाइल होते हैं आओ मैच कर लिया अब हमने अब हम मार्क करते हैं ए का सेकेंड दे रखा है ए का सेकेंड सिर्फ इसमें और इसमें है दैट मीनस ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए फिर सी का फोर्स देखो कहां दे रखा है बी का बी का फोर्स देखो इसमें भी दे रखा है इसमें भी दे रखा है कोई फायदा नहीं हुआ सी का देखते हैं सी का फोर्थ सी का फोर्थ यहां दे रखा है बच्चों यहां सी का थर्ड दे रखा है तो ये गलत हो गया तो हमारे पास बचा क्या ए बाकी सारे ऑप्शन को हमने कर दिए एलिमिनेट नेक्स्ट सील एंड ग्रोथ ऑफ अब एनसीआर पढ़ोगे बच्चों जब आप प्रो से पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल यू कैरियॉर्थ वाला जब पढ़ते हो तो बच्चों वहां पर लिखा हुआ है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो यहां पर सीलिया दिया हुआ है तो आपको हिंट पता चल जाना चाहिए दे आर कंसर्न विथ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो हम सेल वॉल उस टाइम पे मार्क नहीं करेंगे हम क्या मार्क करेंगे बच्चों सेल मेम्ब्रेन ठीक है नेक्स्ट न्यूक्लियोलस इज द मेन साइट फॉर दसेंबली ऑफ याद करो बच्चों न्यूक्लियोलस को हमने क्या कहा था राइबोजोम फैक्ट्री क्यों क्योंकि वहां पर बनते हैं राइबोजोमल आरएनए तो फटाफट देखते हैं आंसर न्यूक्लियर पोर्स नहीं

तो देखो हमारे पास दो प्रो के रियॉर्ड दिए हुए हैं मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट तो वट वी कैन राइट बोथ ए एंड बी नेक्स्ट चूज ऑर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वन मतलब बच्चों गलत ठीक है गलत पहचानना है आपने इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ यस हमने पढ़ा है क्यों क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे बच्चों राइबोजोम्स नहीं होते द साइटोप्लाज्मिक सरफेस ऑफ न्यूक्लियर एंड बी में राइबोजोम्स यस क्योंकि साइटोप्लाज्मिक सरफेस किसको फेस करता है आउटर मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक सरफेस क्या होता है बच्चों जैसे ये हमारी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस है ये मैंने बनाया है बट हमें पता ही कंटिन्यूस नहीं होती है तो बाहर क्या है तुम्हारे बाहर तुम्हारे है साइटोप्लाज्म और ये क्या है हमारा आउटर मेम्ब्रेन तो आप देखो जो सरफेस साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा होता है ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक सरफेस तो ऑब्वियसली जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस की तरफ मेम्ब्रेन है वो आउटर मेम्ब्रेन है और हमें पता है कि आउटर मेम्ब्रेन किससे कंटिन्यूस होती है बच्चों आर ई आर से क्यों क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स तो ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है दिस इज आल्सो ट्रू फिर लिखा हुआ है आउटर मेम्ब्रेन बी अ राइबोसोम गलत क्योंकि ई इज अ यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है तो यहां पर एस राइबोसोम हुआ था तो हमें अपना मुताबिक का ऑप्शन मिल गया दिस इज वन विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर मेमरेन और देख लेते हैं 10 से 50 नैनोमीटर की ब्रथ होती है ये कल हमने डिस्कस सॉरी कल नहीं आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है ठीक है नेक्स्ट कैनिटो इज एसोसिएटेड विद बच्चों कैनेटो क्या होता है सेंट्रोमियर के अराउंड एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जहां से स्पिंडल फाइबर आके अपने आप को बाइंड करते हैं इसी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कानीटोको कानीटोकोर कहाँ दिखेगा ये सेंट्रोमियर के अराउंड जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन वैसे तो हर क्रोमोसोम का पार्ट नेसेसरी पार्ट नहीं होता सेटेलाइट भी नहीं तो आंसर क्या बना हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन

और इस लिपिड में कौन धंसा पड़ा होता है एम्बेडेड होता है प्रोटीन तो मोजैक वर्ड किसके लिए होता है मोजैक वर्ड किसके लिए होता है बच्चों प्रोटीन के लिए तो देखो रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है तुम्हें पहले फ्लूइड के रिस्पेक्ट में मार्क करना है फिर मोजैक के रिस्पेक्ट में मार्क करना है दैट मीनस लिपिड पहले लिखा होना चाहिए प्रोटीन बाद में लिखा होना चाहिए यहां पर प्रोटीन पहले है गलत जिस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है उस रिस्पेक्ट में हमें ऑप्शन नहीं मिला नेक्स्ट लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं लिपिड एंड प्रोटीन होना चाहिए था नेक्स्ट देखो सिक्स ऑप्शन में मिल गया हमें लिपिड एंड प्रोटीन डी ऑप्शन में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट लिखा है ये गलत है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं बट वॉट बीन आज वी हैव टू टू मार्क अकॉर्डिंग दैट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पैलेट पार्टिकल्स पैलेट पार्टिकल्स किसको बोला जाता है बच्चों राइबोजोम्स को बोला जाता है किसको राइबोजोम्स को क्यों बिकॉज दे हैव बीन डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन इन्होंने बताया था हमने एक नोट्स में भी लिखा हुआ है तो आओ बात करते हैं कैन बी फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर कहां कहां मिलेगा इस डब्बे में से ढूंढना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा हाँ मिलेगा सेवनटीएस राइबोजोम क्लोरोप्लास्ट में बिल्कुल मिलेगा सेवनटी एस राइबोजोम साइटोप्लाजम में मिल सकता है ठीक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रो कैरियॉर्ट्स के तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है वैक्यूल में नहीं Lysozomes में नहीं ईआर ER में मिल सकता है और ऐसे ईआर ER को हम क्या बोलते हैं आर ई आर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल सकता है गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगा तो राइबोसोम्स इन इन स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड या पाए जा सकते हैं तो कितने हो गए काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो डी ऑप्शन ठीक है क्या जाएगा डी ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्सिमिलर इन ऑल ऑफ दीचर सब कुछ के रिस्पेक्ट में सिमिलर है एक्सेप्ट ढूंढते हैं साइटोप्लाजमेन ऑफ सेलर एक्टिविटीज ये हमने नोट में, में भी लिखा हुआ है दोनों में कॉमन होता है ठीक है प्रेजेंस ऑफ अ नॉन मेंॉडी अच्छा ये डिफरेंस है क्योंकि नॉन में ये किसकी बात कर रहे हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं सेंट्रोजोम की किसकी बच्चों एंड की और सेंट्रोजोम सिर्फ कहा मिलता है एनिमल सेल्स में तो यही इसका क्या हो गया एक्सेप्शन बाकी देखो प्रेजेंस ऑफ बोथ सेवेंटी एंड एटी एस ये इनका सेवेंटी एस कहा मिलेगा जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में सेवेंटी एस होगा एनिमल्स में माइक्रोकॉन्ट्राम में सेवेंटी एस होगा ठीक है और एटीएस भी मिल सकता है इनके ईआर ER पर तो ये तो दोनों के पास मिलेगा प्रेजेंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी दोनों के पास मिलेगा बस ये वाली लाइन में जो आप देख रहे हो कि किसके पास मिलता है बच्चों? एंड अब के ढूंढना है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस किसका होगा एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस बच्चों फीचर प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल यूकैरियोटिक फीचर सिंगल एनवेलप सिस्टम प्रोकैरियोटिक फीचर मीजोजोम, प्रोकैरियोटिक फीचर एटीएस राइबोसोम, यूकैरियोटिक फीचर हमने सारा मार्क कर लिया है अब लेट्स सी द ऑप्शन पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है कि पी वाले के अंदर कौन कौन सा पॉइंट आएगा फर्स्ट पॉइंट चलो ये तो सही लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट सिंगल एनवेलप सिस्टम चलो ये भी सही है फिफ्थ पॉइंट एटी एस नहीं इसके पास सेवेंटी तो एस होता है ये ऑप्शन गलत हो गया ठीक है तो इसको देखना भी क्यों जब यही गलत हो गया आ जाओ बी ऑप्शन आ जाओ बी के लिए फर्स्ट प्रो कैरियॉर्ट्स लिखा हुआ है ठीक है थर्ड भी ठीक है थर्ड सिंगल एनलास्टम प्रो कैरियॉर्ट्स के अंदर आता है फोर्थ मीजोजोम प्रो कैरियॉर्ट्स के अंदर आता है ये सारा सही मिला अभी तक यू कैरियॉर्ट्स में देख लेते हैं सही है कि नहीं यू केरियॉर्ट में सेकेंड हमने मार्क किया यू कैरियॉर्ट के लिए ठीक है फिफ्थ हमने मार्क किया यू केरियॉर्ट के लिए बिल्कुल ठीक है तो बच्चों ये जो हमें ऑप्शन मिला है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट लेट्स डिस्कस सी और डी में क्या गलत है एक गलती मिल जाएगी ना तो हमें काम चल जाएगा जैसे देखो सी में फिफ्थ एटीएस प्रोकैरियोट के लिए लिखा हुआ है जबकि एटीएस तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं है ठीक है तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया फिर यहां पर देखो डी में सेकेंड प्रेजेंस ऑफ सेंट्रिय प्रेजेंस ऑफ सेंट्रिय थोड़ी होता प्रो कैरियॉर्ट के पास दैट इज अ यूकैरियोटिक फीचर इन्होंने प्रोकैरियोटिक के अंदर लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया

तो देखो बच्चों आपको ये जानना बहुत जरूरी है आपको वैसे तो अपना आंसर यहीं पे मिल गया था बट यू शुड नो कि वाई दी अदर थ्री ऑप्शन और तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं ठीक है नेक्स्ट एक ग्रैनुलर ईआर ऑफ मसल सेल्स एक ग्रेनुलर मतलब राइबोजोम्स एबसेंट और ऐसे को क्या बोलते हैं एसईआर -E और जो एसईआर -E बच्चों मसल्स में मिले उसको क्या बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक ुलम क्या बोलते हैं बच्चों सार्कोप्लाज्मिक नेक्स्ट फाउंड अबंडेंटली इन दो सेल्स आर एक्टिवली सार्को प्लास्मिक रेक्टिकुल राइबोसोम क्या करता है प्रोटीन बनाता है तो देख लो कहां लिखा हुआ ऑप्शन पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें क्या प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड एंस्टोरॉल क्या किसके लिए मार्क करते हैं जब एस सी e. आर पूछा होता ठीक है नेक्स्ट विच पेस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू सिक्रिटरी कहाँ से निकलता है मेच्योर फेस से कहा से मेच्योर फेस से जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांस फेस तो देखो क्या है? पहला ही ऑप्शन ट्रांस फेस मिल गया और ये सारे एक ही हैं को प्रोक्सिमल बोलो कॉन्वेक्स बोलो सिज बोलो ये सबका एक ही नाम है या इनको और क्या हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और इधर से सिक्रेटरी नहीं निकलता इधर से इमेच्योर वेजिकल गोल्जी के अंदर जाता है बच्चों इसको प्रसिमल क्यों बोलते हैं क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस की आउटर किससे कंटिन्यूस होती है बच्चों ईआर ER से ईआर ER जो भी वेजिकल निकालता है वो किसके पास चला जाता है दिस इज वॉट दिस इज हमारा गोल्जी क्योंकि ये जो वेजिकल्स ईआर आर से निकल रहे हैं ये वेजिकल कहां से निकल रहे हैं ER ईआर से ये हैं मेच्योर होने के लिए कहा जाते हैं गोलजी के पास दे आर देट इमेच्योर और ये वेजिकल्स एंट्री मारते हैं इधर से, क्योंकि ये वाला साइड इमेर को फेस करता है और ये वाला से कर -कर का इधर वाले तरफ को हमेशा बनाता रहता है इसीलिए इसको फॉर्मिंग फेज बोलते हैं क्योंकि ये वाला तरफ ईआर ER के नजदीक है नजदीक के लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्रोक्सीमिटी इसलिए इस फेज को हम और क्या बोलते हैं प्रोक्सिमल और ये आपको

बाकी सारे आपने अब आप कुछ जोलॉजी में भी पढ़े होंगे जैसे एरिस्टोटल ने किया था आप पढ़ोगे बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन रॉबर्ट हुक के बारे में हमने पढ़ रखा है डेड सेल डिस्कवर किया था पुर किन फाइबर्स होते हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नाम ये साइंटिस्ट है ठीक है नेक्स्ट सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मेमब्रेन बाउंड न्यूक्लियस राइजोजो राइजोबियम के पास नहीं होगा क्यों क्योंकि बच्चों ये बैक्टीरिया है मेच्योर सी ट्यूब के पास भी नहीं होगा क्योंकि ये जब जैसे ही मेच्योरिटी पे आते हैं अपने न्यूक्लियस को डीजेरेट कर देते हैं एंड देन दे बिकम ए नॉस्टॉक भी बैक्टीरिया है तीनों तो तुमने डिलीट कर दिए बचा क्या तुम्हारे पास मेरिस्टेम एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ठीक है नेक्स्ट गोल्जी इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ तो हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम ओवरऑल क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों इस पूरे चैप्टर से तो हमें पता है गोल्जी किसके लिए फेमस है गोल्जी किसकी मॉडिफिकेशन करवाता है लिपिड और प्रोटीन की तो बट मतलब ये तुम मत माफ कर देना ये लिपिड और प्रोटीन गोल्जी नहीं बना रहे हैं गोल्जी मॉडिफाइड लिपिड और प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन हमने नोट्स में लिखा हुआ है लिपिड की मॉडिफिकेशन होती है तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है तो उस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन बोला जाता है ट्रिक भी बताई थी एडवर्ड आ गया समझ जाना लिपिड का मॉडिफिकेशन है नेक्स्ट द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन हैव प्रोटीन एंड लिपिड तो बच्चों 52:40 की रेशियो होती है जहां पर 52 पार्ट्स क्या होते हैं प्रोटीन अर्लियर इन्वेस्टिगेशन से जो हमें पता चला था और 40 पार्ट्स क्या होते हैं लिपिड ठीक है तो इन्होंने कैसे पूछा हुआ है पहले प्रोटीन के लिए मार्क करना है फिर लिपिड के लिए तो ये देखो ये रहा ठीक okay, है दिस इज प्रोटीन देन दिस इज लिपिड ओके बच्चों नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज दिन विद रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ढूंढना है होती होती है बिल्कुल होती है बिल्कुल लिपिड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बनी होती है बिल्कुल सही परमिएबल होती है जब हमने ऊपर सेलेक्टिव बोल दिया है तो इसको परमिएबल कैसे बोले यही है जो इनकरेक्ट है दिस इज इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट्स ऑल बच्चों तो हमने क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है नहीं बच्चों आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है और हमें पता है आपको क्या पढ़ाना है है ना आपने पता है नाइनटी नाइन जो परसेंट क्वेश्चन होते हैं दैट कम्स फ्रॉम एनसीआर है ना इक्का दुक्का जो परसेंट होता है वो बाहर से आता है और आपको पता है आपको बाहर का भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है जैसे क्रोमोजोम के पी और क्यू आर्म्स पढ़ाए गए के टाइप्स पढ़ाए गए तो वी नो दैट जस्ट ट्रस्ट योर टीचर्स एंड डायरेक्शन में प्रोसीड करना है नहीं तो होगा क्या तुम एक एक्स्ट्रा करने में एक परसेंट तो हम पढ़ा ही रहे तुम इतना एक्स्ट्रा करने में लग जाते हो कि तुम अपना नाइनटी नाइन परसेंट जो एनसीआर से आता है ना उसको गवा देते हो तो आई डोंट वॉन्ट मेरे बच्चों की तुम लोग का नाइन परसेंट जो है आएगा वो तुम लोग खराब कर दो ठीक है क्योंकि मैम चाहती है सारे बच्चों का सिलेक्शन हो तो उसे डायरेक्शन में हार्डवर्क करनी है ठीक है स्मार्ट स्टडी करनी है ठीक है बच्चों तो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेल्फ मेहनत करो जम करके और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाओ ठीक है ऑल द बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बाय बाय एंड टेक केयर